Assalamu alaikum the trust school virtual classroom value of the week is peace dear students of class 6 we were studying unit number 5 of history socio cultural developments in the previous lesson we discussed about art and science and art of calligraphy during the period of delhi kings. our next topic is the development of culture and literature during the period of delhi kings. so, dear students, musalman jahakahibi gey, Ilm ki roshan ki, and they took effective steps for education. दिल्ली में ही 1000 मदरसे मौजूद थे जिससे दिल्ली की जो सल्तनत है उसकी तालीमी सहूलतों का मैारे समेपर टेकन फॉर देंट ऑफ नॉलेज ड्यूरिंग दिल्ली पीरियड एंड नाउ वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दायन सबसे पहले महमूद गजनवी ने व अदब की खूब सरपरस्ती की और इस सिलसिले में उसने गज़नी में एक शानदार लाइब्रेरी तामीर की और इस सिलसिले में उस और तलबा के वजाइफ़ मुकर किए फिर और औरबैरूनी ने किताबें भी तहरीर कि इसके बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी ने अजमेर में मसाजिद तामीर करवाई और मदरसे बनवाए और इसी तरह सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी मदरसे और मसाजिद तामीर की इसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन अलतुतमश का कायम करदा दिल्ली का मदरसा नासरिया उसकी इल्म दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है In other words, we can say that विच इज सर्टिफाइड प्रूफ ऑफ इस डिवोशन टू वर्ड्स नॉलेज और सुल्तान ने आर्ट एंड साइंस के मदारस भी कायम किए इसके बाद अमीर खसरू का शुमार शायरों और अदीबों में होता है और उन्होंने पांच फारसी के दीवान और दस मसनवियाँ तहरीर किं मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबक नासरी तहरीर की जो कि जहूर इस्लाम से लेकर यानी अहद गुलामा तक एक तारीख है इसके बाद जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखी डियर स्टूडेंट्स आफ्टर दिस मिस्टिक्स यानी सूफिया कराम ने लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया यानी मुकामी जबानों को इस्तेमाल करके अपने जो उनके नज़रियात थे उनको प्रमोट किया और संस्कृत की बजाय सिंधी पंजाबी और कश्मीरी का इस्तेमाल किया और इसके नतीजे में मुकामी जबानों को फ़्रो हासिल हुआ इसी दौर में उर्दू तमाम जबानों के मिलाप से वजूद में आई ड्यू टू द कंबिनेशन ऑफ ऑल दीज लैंग्वेज उर्दू केम इंटू एग्जिस्टेंस यही वजह है कि यह जबान बर सगीर के तूलो अर्ज में बोली जाती है संस्कृत किताबों का फारसी में तर्जमा भी हुआ है Now, let's wrap up the lesson. Dear students, in this lesson, we discuss about educational institutes established by the Delhi kings, libraries, schools, mosques, Nasriya Institute, School of Art and Science established by Delhi kings. And after this, we discussed about Sindhi, Punjabi, Kashmiri, and Urdu was promoted in that period. Umid hai, आपको यह सबक समझ में आया होगा होप टू सी यू सोन विद अ न्यू टॉपिक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली अल्लाह हाफिज